हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू एंड आप सबको मेरा एक नया सेटअप में स्वागत है। और ये सेटअप में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो जगह पे आपको जाना है या फिर जाने वाले हो या फिर जाके आ चुके हो उस जगह के डू एंड डोंट्स, ये सब मैं बताऊंगा आगे। पर ये वाला वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया इन दिसंबर एंड जनवरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको एक थम्स अप दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। अगर कोई व्यू पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, डिफरेंट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड जनवरी। सो मैंने जो एक लिस्ट बनाया है उस लिस्ट में जो भी जगह होने वाले हैं वो सब बजट फ्रेंडली होने वाले हैं। तो आपको अगर बजट फ्रेंडली एंड न्यू ईयर के आसपास ये सबको प्लान करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा एक्सोटिक जगह को ऐड नहीं किया है मैंने। तो मैंने जो पहला जगह इसमें लिया हुआ है वो है गुलमार्ग। ये आप सोच रहे होंगे कि गुलमार्ग तो एक महंगा जगह है, पर गुलमार्ग एक मिक्स बजट वाला जगह है। यहाँ पे आप लो बजट में जा सकते हो, हायर एंड में भी जा सकते हो। ये मनाली जैसा इतना महंगा नहीं है। गुलमार्ग में दिसंबर में और जनवरी के महीने में 5 से 6 फीट तक बर्फ जम जाते हैं और बर्फ के चादर छाए रहते हैं पूरा का पूरा वैली में। आप आराम से वहाँ पे स्नोफॉल का भी मजा ले सकते हो। गुलमर्ग में मैक्सिमम टूरिस्ट स्नोफॉल का मजा लेने के साथ साथ वहाँ पे स्कीइंग भी करने जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे गोंडाला राइड भी होता है। गोंडाला राइड का मतलब है एक रोपवे जो स्नो के ऊपर जाता है, वो गुलमर्ग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसका राइड आप जरूर लीजिए क्योंकि स्नो कवर्ड माउंटेन का व्यू रोपवे से देखने का मजा अलग ही होता है। अगर आप गुलमर्ग का प्लान कर रहे हो तो आप दिसंबर जब क्रिसमस का टाइम होता है उस टाइम प्लान कीजिए सो दैट आप वहाँ पे जो सेंट मैरी चर्च है उस वहाँ पे जाके क्रिसमस का भी मजा ले सकते हो। वहाँ पे क्रिसमस में सेलिब्रेशन होता है। उसके साथ साथ न्यू ईयर में भी यहाँ पे कार्निवल निकलता है रात को। न्यू ईयर कार्निवल इसको बोलते हैं, न्यू ईयर कार्निवल ऑफ गुलमर्ग। वहाँ पे जाके आप न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हो और पूरा मजा ले सकते हो उसका। यहाँ घूमने के लिए 2-3 जगह जो कि इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जगह है आपका स्ट्रॉबेरी वैली, नेक्स्ट है आपका महाराजा पैलेस एंड थर्ड है यहाँ का अल्मती लेक। ये तीनों जगह आप जरूर घूमिए। उसके अलावा भी 2-3 जगह है जो कि आप आराम से कोई भी वेबसाइट पर देख के जा सकते हो। सो ये था हमारा लिस्ट में पहली जगह गुलमर्ग। नेक्स्ट जगह हमारा जो लिस्ट में है वो है कच्छ, द रन ऑफ कच्छ। यस, कच्छ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप विंटर में या फिर मैं बोल सकता हूँ कि दिसंबर एंड जनवरी में आराम से विजिट कर सकते हो। ये आपका बजट फ्रेंडली भी रहेगा और आप यहाँ पे कुछ यूनिक चीजें भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ का ड्राई सल्ट डेजर्ट जो कि दिसंबर और जनवरी के महीने में पूरा का पूरा सूख जाता है एंड आप यहाँ पे इस सल्ट डेजर्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। दिसंबर में कच्छ का टेम्परेचर 12 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर वेरी करता है जो कि घूमने फिरने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर रहता है। एंड वेदर के बारे में बोले तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंड रहता है, ज्यादा ठंड नहीं रहता है। सो आप आराम से इस जगह को घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, इतना आपको दिक्कत नहीं होने वाला। सेकेंडली दिसंबर महीने से एक यहाँ पे रण उत्सव शुरू होता है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए, जिसको एंजॉय करने के लिए देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। ये एक बड़ा सा फेस्टिवल टाइप का होता है और इस यहाँ पे ये 3 महीने के लिए चलता है, टिल फरवरी एंड तक ये फेस्टिवल चलता है। सो आप ये 3 महीने में कभी भी यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे एक टेंट लगाया हुआ रहता है। बहुत सारे टेंट्स होते हैं यहाँ पे, नॉर्मल से शुरू करके डिलक्स लग्जरी तक के टेंट आपको मिल जाएंगे। कोई भी टेंट आप लेके रुक सकते हो एंड यहाँ पे जो रात को माहौल रहता है वो बहुत ही सुंदर रहता है। यहाँ पे लोकल जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे फोक डांसेस परफॉर्म करते हैं एंड उसके अलावा राजस्थानी कुजिन्स का भी आप मजा ले सकते हो। इसके अलावा आप वहाँ पे हैंडमेड लोकल ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड डेकोरेटिव सामान को भी आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। रन ऑफ कच्छ विजिट करने से पहले मेरा एक सजेशन है कि आप ट्राई करें कि जब फुल मून हो, जब पूर्णिमा हो, उसी टाइम आप विजिट करें सो दैट आप उस जगह का 100% ब्यूटी का लुत्फ उठा सकते हो। सो ये था हमारा रन ऑफ कच्छ, राजस्थान। तीसरी जगह है हमारा उत्तराखंड के बादे में बसा हुआ सबसे सुंदर शहर ऋषिकेश। इसको योग नगरी ऋषिकेश भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे योगा के लिए जितनी प्रसिद्धि है शायद ही कहीं दुनिया में इतना प्रसिद्धि किसी जगह का रहा होगा। इस जगह पे आप योगा, मेडिटेशन, आध्यात्मिक चीजों का अध्ययन करने के लिए आ सकते हो उसके अलावा आप यहाँ पे रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह दर्शन करने के लिए भी आ सकते हैं। बहुत सारे मठ वगैरह है। सो ये तो ऋषिकेश का एक साइड था। दूसरा साइड में आप यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करने आ सकते हो। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड है। यस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर रिवर राफ्टिंग इन एंटायर वर्ल्ड। सो यहाँ पे देश विदेशों से बहुत सारे लोग रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाने आते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे बंजी जंपिंग एंड क्लिफ डाइविंग एंड जेट स्विंग वगैरह का मजा भी ले सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के हिसाब से जा रहे हो देन आप वहाँ पे जाके कैंपिंग कर सकते हो। ये वहाँ पे कैंपिंग होता है। आप जंगल कैंपिंग मत करना, वहाँ पे जाके आप बीच कैंपिंग करना। ये रिवर बीच कैंपिंग करना। वहाँ पे बहुत सारे गंगा किनारे बहुत सारे रिवर बीच कैंपिंग होता है। वहाँ पे जाके कैंपिंग करना, उसका जो माहौल होता है अलग ही माहौल होता है। वहाँ पे जाके आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करो। अपने फैमिली के साथ भी जाके सेलिब्रेट कर सकते हो, या फिर दोस्तों के साथ भी जाके सेलिब्रेट कर सकते हो। लास्टली वहाँ पे आप बहुत सारे जो अलग अलग कैफे हैं उसको एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। ऋषिकेश का जो बहुत सारे कैफे हैं वो होल इंडिया में बहुत फेमस है। सो कैफे को एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए। ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचा रहा है तो आप पास में देहरादून एंड मसूरी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये दो जगह वहाँ से 40 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा। सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ प्लेस व्हिच इज उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर राजस्थान को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। यहाँ पे बहुत सारे लेक हैं एंड उसके आसपास बहुत सारे महल बनाए हुए हैं। उदयपुर को राजा रजवाड़ा का शहर भी बोला जाता है। यहाँ पे जितने हैं पैलेस हैं शायद ही कहीं और जगह पे इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। उदयपुर का कुछ मेन पैलेस के बारे में बात करें, उसमें पहला नंबर पर आएगा आपका सिटी पैलेस, देन आता है आपका साजनगढ़ पैलेस, कुंभलगढ़ फोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिसंबर एंड जनवरी में उदयपुर का टेम्परेचर बहुत ही प्लेजेंट रहता है। दैट्स व्हाई आप इस जगह को आराम से घूम सकते हो। एंड फाइनली अगर आपको यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है देन आप कोई भी पैलेस में एक रात के लिए स्टे करके वहाँ पे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ पूरा न्यू ईयर का मजा ले सकते हो। आपका यहाँ पे रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा तो आप एक रॉयल न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं इस जगह पे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट जगह पे जो कि है वायंड केरला। वायंड को बोला जाता है द ग्रीन पैराडाइज। तो केरला में ऐसे बहुत सारे हिल स्टेशन है जिसको आप विंटर में विजिट कर सकते हो, जैसे कि कोडाईकनाल हो गया एंड दिस वायंड। और भी ऐसे 2-4 हिल स्टेशन है जिसको आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। पर वायंड में बहुत सारे कैंपिंग होते हैं, दैट्स व्हाई हमने इसको चूज किया है सो दैट आप यहाँ पे आराम से न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर सकते हो। तो आपको एक दिसंबर जनवरी में जो भी जाता है ऑलमोस्ट न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना ही जाते हैं, तो इसलिए आप इस जगह को अपने बकेट लिस्ट में जरूर डालें। सो वायंड का आसपास आप चेम्ब्रा पार्क, कुवा आइलैंड जैसी जगह आराम से घूम सकते हो। वायंड का आसपास आप चेम्ब्रा पार्क एंड कोरवा आइलैंड जैसे जगह घूम सकते हो। उसके अलावा भी कहीं बहुत सारे यहाँ पे छोटी छोटी आइलैंड एंड फॉरेस्ट बीचेस है जिसको आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे थोलपेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सफारी ले सकते हो, जिसका शायद आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप इसका वेबसाइट में जाकर देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वायंड में आपको और एक यूनिक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ का बहुत सारे बैम्बू फैक्ट्री। तो आप बैम्बू फैक्ट्री में जाके वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ का जो लोकल हैंडमेड बैम्बू इंस्ट्रूमेंट्स या फिर बैम्बू यूटेंसिल्स वगैरह आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो ये इस जगह का एक यूनिक चीज है। सो ये था हमारा वायंड, द फिफ्थ प्लेस इन आवर लिस्ट। लेट्स मूव टू आवर सिक्स्थ प्लेस व्हिच इज पुरी, कोणार्क एंड भुवनेश्वर। यस, ये 3 जगह है पर ये एक ट्रायंगल है जिसको आप इजीली 1 या 2 दिन में घूम सकते हो। सो अगर मैं पहले बात करूँ पुरी का, तो पुरी तो आप सबको पता होगा, जानते हैं जैसे एकदम पुरी। यहाँ पे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है जिसको आप आराम से दर्शन के लिए आ सकते हो। इसके पास में पुरी बीच है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से आप गाड़ी रिजर्व करके या फिर बस पकड़ के जा सकते हो कोणार्क सन टेम्पल को देखने के लिए। उसके पास में आपको चंद्रभागा बीच को देखने को मिलेगा। ये सब घूमने के बाद आप आ सकते हो भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है। वहाँ पे आप आधा दिन या फिर 1 दिन रुक के जो पास में जू है, नंदन कानन जू, वहाँ पे जरूर जाना है क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा भी छोटा मोटा कुछ प्लेसेस हैं जिसको आप आराम से घूम सकते हो। सो 2-3 दिन में आप इस ट्रैवल को कंप्लीट कर लेना। और अगर आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है तो आप भुवनेश्वर में रह के न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉस्मोपोलिटन शहर है, तो यहाँ पे बहुत सारे पब्स एंड बहुत सारे सनबर्न भी होता है यहाँ पे, तो आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपना न्यू ईयर। सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्लेस इन आवर लिस्ट, द माइटी कोडाईकनाल। यस, कोडाईकनाल है हमारा वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन इन केरला। इसको प्रिंसेस ऑफ हिल भी बोला जाता है। विंटर में कोडाईकनाल का टेम्परेचर 7 डिग्री से 12 डिग्री के अंदर वेरी करता है। इस हिल स्टेशन को पहुंचने के लिए आप मदुरई से बुकिंग कर सकते हो। वहाँ ये आपका पास पड़ेगा, सबसे नियर बाय सिटी पड़ेगा, या फिर आप मदुरई से बस भी पकड़ के कोडाईकनाल जा सकते हो। कोडाईकनाल घूमने के लिए आपको 1 से 2 दिन लगेगा। यस, आप यहाँ पे न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर सकते हो। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा रहता है। एंड इस जगह का अगर बात करो तो यहाँ पे पास में आप कोडाईकनाल लेक में अपना आधा दिन बिता सकते हो। इसके लेक के आसपास बहुत सारे एक्टिविटी वगैरह भी होते हैं, जिसकी बोटिंग, साइकिलिंग, ये सब होता है। हाँ, यहाँ पे स्नो नहीं गिरता है, पर यहाँ का जो माहौल रहता है, जो उसके पाइन फॉरेस्ट, आप वहाँ पे जाके जरूर एंजॉय करना। बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ पे। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड मैंने इस वीडियो में टॉप 7 प्लेसेस मैंने डाला हुआ है, पर मैंने एक नीचे लिस्ट डाला हुआ है जिसमें टॉप 15 प्लेसेस टू विजिट इन दिसंबर एंड जनवरी। जो लिंक डाला हुआ है मैंने, उसको जाके आप मेरा ब्लॉग देख सकते हो। उसी ब्लॉग में आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी पता चला, इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स सो दैट दे कैन विजिट एंड एक्सप्लोर मोर। एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टाटा बाय बाय।